बाघ घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। उनका प्रमुख शिकार हिरण और चीतल जैसे जानवर होते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बाघ की कहानी सुनाऊंगा जिसको हिरण और चीतल के अलावा इंसानी मांस में दिलचस्पी थी। एक बार इंसानी खून मुंह के लग गया, वह बाघ उस जंगली इलाके के 436 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी है दुनिया की सबसे खतरनाक नरभक्षी बाघिन का। बात है सन 1907 की। तब बाघ और तेंदुओं की जनसंख्या अच्छी खासी हुआ करती थी। उस दौर में एक बाघिन नरभक्षी बन गई थी। उसे जानवरों का शिकार करने से अच्छा इंसानों को मारने में दिलचस्पी हो गई थी। इस बाघिन के शिकार ज़्यादातर लोग चंपावत के थे, इसलिए इस बाघिन को चंपावत का आदमखोर और चंपावत की राक्षसी कहा जाता था। इस बाघिन का खौफ उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक था। इसके शिकार में बच्चे, महिला, पुरुष सभी शामिल थे। चंपावत की उस बाघिन ने 436 लोगों को मार दिया। पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा संख्या में इंसानों को किसी और जानवर ने नहीं मारा। वह बाघिन हर रोज एक इंसान का शिकार करती थी। लोगों को लगा था बहुत सारे बाघ इंसानों का शिकार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वह बाघिन ही सारे लोगों को अकेले ही मार रही थी। बताया जाता है कि पहले वह बाघिन नेपाल में ही रहती थी और वहीं कोई जानवरों का शिकार करने गया आदमी उस बाघिन को एक गोली मार दी जिससे उसका जबड़ा टूट गया था। तभी से वह बाघिन जानवरों का शिकार छोड़कर इंसानों पर हमला करने लगी। नेपाल में इस बाघिन का आतंक इतना बढ़ गया कि नेपाल के राजा को बाघिन को मारने के लिए नेपाली सेना भेजना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य है, नेपाल की उस सेना ने बाघ का शिकार नहीं कर पाई और वह बाघिन नेपाल से बचकर उत्तराखंड पहुंच गई। वह बाघिन पहले से ज़्यादा आक्रोशित थी। कहा जाता है कि जब वह बाघिन एक इंसान को मारती थी तो और ज़्यादा खुखार हो जाती थी। बाघिन रात के बजाय दिन में ही लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया था। उस समय जब कोई इंसान सुरक्षित घर नहीं आ जाता था तब तक परिवार के लोगों को आशंका बनी रहती थी। उस खतरनाक बाघिन का शिकार करने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों में बाघिन का आतंक बढ़ता गया। उस वक्त एक बहुत ही खतरनाक शिकारी हुआ करता था जिसका नाम था जिम कार्बेट। इस आदमी ने बहुत सारे शेरों, तेंदुओं, बाघों का शिकार किया था। जिम कार्बेट ने उस बाघिन को मारने की जिम्मेदारी ली और पहुंच गया चंपावत। चंपावत के कुछ ग्रामीणों की मदद से कार्बेट ने उस खतरनाक बाघ का शिकार कर लिया और लोगों को उस बाघिन के आतंक से सदा के लिए मुक्त कर दिया। 436 लोगों का शिकार करने वाले उस बाघिन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उसका यह रिकॉर्ड दर्ज हो गया। जब 1936 में भारत में बाघों के संरक्षण के लिए नेशनल पार्क बनाया गया तो उसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था, लेकिन बाद में उसे बदलकर उस बाघिन को मारने वाले शिकारी के नाम कर दिया गया, मतलब जिम कार्बेट नेशनल पार्क। तेजी से घटते हुए बाघों की संख्या को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया। वर्तमान में उत्तराखंड में कुल 416 बाघ मौजूद हैं। तो कैसी लगी नरभक्षी बाघ की यह कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल जिज्ञासु स्टोरी।